बाजू चील के मुंह में नोकीली सी एक हड्डी फंस गई थी। तकलीफ के मारे वो तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मम्मा, आपके गले में तो हड्डी फंस गई, मैं इसे कैसे निकालूं? मुझे किसी को बुलाना होगा। बचाओ नन्हा चील फिर जोर जोर से आवाजें लगाता है। बचाओ, मेरी मम्मा को कोई बचाओ, कोई पक्षी मेरी मम्मा की मदद करो। अरे, ये आवाज किसकी आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। आवाज को सुनता हुआ वे कबूतर बाजू चील के पास पहुंच जाता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा को बचा लो, मेरी मम्मा की चोंच में ये हड्डी फंस गई, अब इसे निकाल दो किसी तरह। बेचारा कबूतर बिना कुछ सोचे ही बाजू चील के मुंह की तरफ हड्डी निकालने उसके करीब आता है। तभी अचानक वे जालिम चील कबूतर पर हमला कर देती है। मेरी मदद करोगे? करो करो, मेरी मदद करोगे ना तुम? बेचारा मेरी मदद करने आया था, पर खुद ही शिकार बन गया मेरा। अरे वाह मम्मा, आप ये ड्रामा कर रही थी, मैं तो सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। बाजू चील बेचारे कबूतर को उसी समय मारकर उसका मांस खाने लगती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे बेटे, अब मैं रोजाना पक्षियों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करूंगी। बस फिर अगले दिन बाजू चील दोबारा से नदी के किनारे आ जाती है और वैसे ही अपने मुंह में नोकीली सी हड्डी फंसा लेती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मम्मा को बचाओ, मेरी मम्मा मर जाएगी। आज भी नन्ना चील जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। वहां से एक जग्गू पक्षी गुजर रहा था। वे आवाज सुनकर बाजू चील के पास जाता है। अरे बेटा चील, क्या हो गया? तुम इतना क्यों चीख रहे हो? अंकल पक्षी, मेरी मम्मा को बचाओ, मेरी मम्मा के गले से ये हड्डी निकाल दो, वरना मेरी मम्मा मर जाएंगी। जग्गू पक्षी भी हड्डी निकालने बाजू चील के करीब आता है। तभी बाजू चील जग्गू पक्षी पर भी हमला कर देती है और दोनों माँ बेटा मिलकर उस बेचारे पक्षी को पकड़ लेते हैं। मुझे धोखा दिया मुझे, मुझे जाने दो। बस वे माँ बेटा उस बेचारे पक्षी को भी बहुत बुरी तरह से मारकर खाने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, इस तरह पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ मेरे बेटे, इस तरह मैं पक्षियों का शिकार करते करते इस जंगल के सब पक्षियों को मारकर खा जाऊंगी। उफ, कब से इंतजार कर रही हूँ, जग्गू पक्षी मुझसे मिलने आ रहा था, पर अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है मीनू चिड़िया, वो कल आने वाला होगा, इसीलिए तुम परेशान मत हो। तोते, ये परेशानी वाली ही बात है, पता है कल से कबूतर गायब है, अपने घर नहीं गया वो। और देखो, आज जग्गू पक्षी नहीं मिल रहा, मुझे तो अब कोई गड़बड़ लगती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बिला वजह ही डर रही हो। हमारे जंगल में ना तो कोई चील है और ना ही कोई सांप जो हम पक्षियों को नुकसान पहुंचाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मेरा वहम है ये सब, जग्गू पक्षी और कबूतर भी मिल ही जाएंगे। अगले दिन बाजू चील तोते के बेटे का शिकार कर लेती है। दोबारा जरूर आना मेरी बहन सोनी, मैं तुम्हें याद करूंगा। हाँ हाँ मैं आऊंगी कालू भाई, चलो अब मैं चलती हूँ। कालू कवि की बहन सोनी कवि वापस अपने जंगल को जा रही थी कि तभी उसे वही नन्हे चील की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ देर में आवाज सुनते सुनते सोनी कवि भी बाजू चील के पास पहुंच जाती है और मौके का फायदा उठाकर बाजू चील सोनी कवि को भी मारकर खा जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल में पक्षियों का शिकार होता जा रहा था, पर अब तक किसी को भी बाजू चील पर शक न था। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, जो भी आवाज को सुनता सुनता उस नदी के पास जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। हाँ मीनू चिड़िया, वो आवाज मैंने भी सुनी है। ना जाने कौन मदद के लिए बुलाता है, पर कुछ तो बात है वहाँ। जो भी मदद करने गया वहाँ पर, वो अब तक वापस नहीं आया। हाँ मेरी बहन सोनी भी नदी के रास्ते अपने घर जा रही थी, पर ना जाने वहां से कहाँ चली गई, अब तक मैं उसका पता ना लगा सका। जरूर हमारे जंगल में कोई शिकारी आ गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों का शिकार कर रहा है।
हाँ, ये सब जो भी कर रहा है उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, पर हमें भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। बस अब जंगल के सब पक्षी डर के मारे अपने अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। अब कुछ दिन बाजू चील को एक भी शिकार नहीं मिलता। अब जंगल के पक्षी बहुत चालाक हो गए, अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। तभी वहाँ नन्ना चील आता है। मामा मामा, एक कमजोर सा कौवा इधर ही आ रहा है, हम उसका शिकार कर सकते हैं। बाजू चील खुश हो जाती है और वे अपने मुंह में वही नुकीली हड्डी फंसा लेती है। बचाओ बचाओ, मेरी मम्मा की जान बचाओ कोई। नन्हे चील की आवाज सुनकर वे कमजोर सा बबलू कौवा बाजू चील के पास आ जाता है। मैं तुम्हारी मम्मा की जान बचा लूंगा बेटा, बस तुम परेशान मत हो। तभी अचानक बाजू चील बबलू कौवे को भी जोर से पकड़ लेती है। ओए कमजोर कौवे, तुम्हारे अंदर तो मांस है ही नहीं, हड्डी ही हड्डी है हर जगह, पर मैं अभी बहुत भूखी हूँ, तुम्हारी हड्डियाँ भी खा सकती हूँ मैं। बाजू चील बेचारे कमजोर से बबलू कौवे को ही मारकर खाने लगती है। बबलू कौवे के शरीर में तो बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। तभी सच में एक बड़ी सी हड्डी आकर बाजू चील की चोंच में फंस जाती है और अब बाजू चील दर्द के मारे तड़प रही थी। अरे मम्मा, अभी दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं है, आप ये अपना ड्रामा बंद करो। नन्ना चील बाजू चील पर ज्यादा गौर नहीं देता और बस अपना भोजन खाने में मस्त था। बाजू चील तो तकलीफ से बहुत तड़प रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वे तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, तो जैसे आप सबने इस कहानी के पहले भाग में देखा था कि राजू कौवा अनार खाने की जिद कर रहा था, पर जंगल में एक भी अनार का पेड़ नहीं था। सिर्फ एक ही अनार का पेड़ था जो कि पहाड़ों की तरफ चीलों के इलाके में लगा हुआ था। और कालू कौवा अपने बेटे के लिए अनार लेने चीलों के इलाके में चला जाता है। तभी कालू कौवे को देखते ही एक चील कालू कौवे के पास आ जाती है और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अब आगे की कहानी देखें। हाय रे कालू, अब तो तू गया, ये चील तुझे मार डालेगी। अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे अपना दिमाग चलाना होगा। बाजू चील, तुम मुझे खाकर क्या करोगी, तुम्हारी तो चोंच भी गीली नहीं होगी। देखो तो जरा, मैं कितना कमजोर कौवा हूँ, अगर मेरी कोई पतली सी हड्डी तुम्हारे गले में फंस गई ना तो तुम जान से जाओगी। इसीलिए बाजू चील, तुम मुझे जाने दो। तुम्हें पता है मेरे जंगल में बहुत मोटे ताजे पक्षी हैं, उनका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम बस मुझे छोड़ दो और कल सुबह मेरे जंगल में आकर सब पक्षियों को मारकर खा लेना। कालू कौवे की ये बात सुनकर बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है। तो ठीक है कौवे, कल सुबह मैं अपने परिवार को लेकर तुम्हारे जंगल पर हमला करने आ जाऊंगी, पर अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी ना मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। कालू कौवा तो फौरन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अपने जंगल पहुँच कर वे सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। अरे अरे कालू कौवे, क्या बात है भाई, इतने क्यों घबराए हुए हो? फिर कालू कौवा बाजू चील की सारी बात पक्षियों को बताता है। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी जान बचाने के लिए हम सब पक्षियों की जान खतरे में डाल दी। मूर्ख कौवे, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ कालू कौवे, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि तुमने हमारे बारे में उस चील को बता दिया। हाँ तो मैं और क्या करता पक्षियों, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए जो सोचा वो बोल दिया बस। बहुत ही स्वार्थी हो कालू कौवे तुम, तुम्हें तो हमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अरे पक्षियों, ये समय लड़ने का नहीं बल्कि हमें कुछ सोचना होगा कि उस चील से हम कैसे मुकाबला करें। पर मीनू चिड़िया, हम और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो बस आज का ही दिन है, हम इतनी जल्दी उस बाजू चील के परिवार से मुकाबला कैसे करेंगे। देखना तो मीनू चिड़िया, कल हमारी मौत निश्चिंत है। अरे रे, मैं क्या करूं भाई, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है।
कालू कौवे की इस हरकत की वजह से तो सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं तो कहती हूँ पक्षियों कि हमें उल्लुओं से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि उल्लू बहुत ताकतवर होते हैं, अब वही चीलों से मुकाबला कर सकते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, हमें उल्लुओं से जरूर मदद मांगनी चाहिए, चलो चलते हैं। उल्लुओं से मदद लेने के लिए मीनू चिड़िया और कालू कौवा उल्लुओं के जंगल में चले जाते हैं। उल्लू राजा, हम आपके पास वाले ही जंगल से आ रहे हैं, हमारी मदद करें, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बाजू चील को तो आप जानते ही होंगे ना, जो पहाड़ों की तरफ रहती है, वो कल हमारे जंगल पर हमला करने आ रही है और वे हमारे जंगल के सब पक्षियों को मार डालेगी। हमारी मदद करो उल्लू राजा, हमें उन चीलों से बचा लो। मीनू चिड़िया, हम उल्लुओं का तुम पक्षियों से कोई वास्ता नहीं, हमें अकेला छोड़ दो, इसीलिए हम तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। उल्लू महाराज, आप कर सकते हैं ये, हमारी मदद कर दें, वरना हम कहाँ जाएंगे फिर। नहीं कालू कौवे, हम तुम्हारी मदद करके चीलों से दुश्मनी नहीं कर सकते, हम उल्लू अकेले हैं, हमें अकेला ही रहने दो, जाओ यहाँ से चले जाओ। उल्लू राजा की ये बात सुनकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। आज की रात तो उन सब पक्षियों को नींद ही नहीं आ रही थी और सारे पक्षी बहुत ही चिंता में थे। बस आज की ये रात आखिरी रात है हमारी, वैसे भी कल तो हम सारे पक्षी मर जाएंगे। तोते, हमें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस तरह कालू कौवे ने अपना दिमाग चढ़ाकर उस चील से अपनी जान बचाई थी, बस उसी तरह हमें भी कुछ करना होगा। वे सारे पक्षी बस पूरी रात बैठे कोई ना कोई उपाय सोच रहे थे। चले पति जी, आज तो हम सब मिलकर पेट भर के भोजन खाएंगे, पता है उस जंगल में बहुत ही मोटे ताजे पक्षी हैं। हाँ चील, जितने पक्षियों को हम खा सकेंगे उतने तो खा लेंगे, बाकी के जो पक्षी बचेंगे उन्हें पकड़कर हम यहाँ ले आएंगे। फिर वे चीलों का परिवार पक्षियों के जंगल पर हमला करने चले जाते हैं। अरे ये क्या, कोई पक्षी दिख क्यों नहीं रहा, एक कौवे कहाँ है सारे पक्षी। हाँ हाँ वो बाजू चील, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। एक कौवे, ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से बता कि सारे पक्षी किधर हैं। कौवे, तुझे मेरी कल वाली बात याद है ना, अगर मुझे आज पक्षी ना मिले तो तेरी खैर नहीं फिर। अरे नहीं नहीं बाजू चील, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, पता है जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वो सामने बड़े से घर में छुप गए हैं। अच्छा डरपोक पक्षी, आज तो इन पक्षियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वे चीलों का परिवार उस बड़े से घर के अंदर आ जाता है, पर वे क्या देखते हैं, वहाँ पर तो कोई भी पक्षी नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर वे सारे पक्षी घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं और इस तरह वे सारी चीलें उस बड़े से घर में कैद हो जाती हैं। यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है, लगता है कौवे ने झूठ बोला मुझसे। ए कौवे, दरवाजा खोल जल्दी जल्दी, दरवाजा खोल। मीनू चिड़िया एक लकड़ी में आग लगाती है और वे लकड़ी उस घर के पास फेंक देती है। देखते ही देखते वे घर तो आग की लपेट में आ जाता है और वे चीलें भी उसी आग में जलकर मर जाती हैं। वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे उपाय ने तो आज फिर से हम पक्षियों की जान बचा ली। इस तरह वे सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन बेचारी बुलबुल का अंडा नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बुलबुल तो बेचारी बहुत रो रही थी। ये क्या हो गया मेरा अंडा, कई सालों के बाद तो मैंने एक अंडा दिया था और वो भी टूट गया, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। बुलबुल बहन क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो। देखो ना मीनू चिड़िया, मेरा अंडा नीचे गिरकर टूट गया, ये इकलौता ही अंडा था जिससे बस मेरा बच्चा निकलने ही वाला था। ओहो बहुत दुख हुआ, काश के कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा ये अंडा दोबारा से जुड़ जाए। बस मीनू चिड़िया का ये कहना था कि वे अंडा वापस से जुड़ जाता है। अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया, मेरा अंडा वापस से जुड़ गया। मीनू चिड़िया वाकई में तुम्हारी जबान तो बहुत शुभ है। ये कैसे हो गया, मैंने जो कहा वो सच हो गया, वाकई में ये तो चमत्कार ही हो गया। अगले दिन मौसम काफी खराब हो गया था, तेज हवाएं चल रही थी जिस कारण मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। ये क्या, अभी तो अच्छी खासी धूप थी,
तो ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? लगता है बारिश होने वाली है, पर मैं कहाँ जाऊंगी बारिशों में, मेरा तो कोई अपना पक्का घर भी नहीं। बस तभी ही बारिशें शुरू हो जाती हैं। लो भाई, मैंने बारिश का कहा और ये बारिशें भी शुरू हो गई। कितना ठंडा पानी है बारिश का, मैं कहाँ जाऊँ मरो चिड़ी को लेकर। चिड़िया बहुत परेशान थी, वे अपने बेटे को लेकर जंगल में इधर उधर कहीं बारिश से बचने का ठिकाना ढूंढ रही थी। तभी मीनू चिड़िया को सामने एक पेड़ दिखता है जिस पर सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। काश के इस पेड़ पर लगी स्ट्रॉबेरी बड़ी हो जाती तो मैं इसके अंदर अपना घर बना लेती और मुझे और मानो चिड़िया को इस तरह बारिश में नहीं भीगना पड़ता। मीनू चिड़िया की ये मांग भी पूरी हो जाती है और देखते ही देखते वे स्ट्रॉबेरी तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मीनू चिड़िया तो ये देखकर काफी हैरान थी। आखिर ये हो क्या रहा है, मैं जो कहती हूँ वो सच हो जाता है। वाह मम्मा, आपने तो चमत्कार कर दिया। चलो ना, अब हम जल्दी से इसके अंदर अपना घर बना लेते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद मीनू चिड़िया उस स्ट्रॉबेरी में सुराख करके उसी को अपना घर बना लेती है। और बाकी पक्षियों की तरह अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया भी आराम से अपने बन घर में बैठे थे। कुछ देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है, पर मीनू चिड़िया तो बहुत परेशान थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चमत्कार कैसे हो रहा है। काश कि मुझे पता चल जाए कि मेरी जबान इतनी चमत्कारी कैसे हो गई। बस ये इच्छा भी पूरी होती है और वहाँ पर एक सुनहरी परी आ जाती है। परेशान न हो मीनू चिड़िया, तुम्हारी इस जबान को चमत्कारी मैंने बनाया है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी चिड़िया हो। मैंने देखा है कि तुम पक्षियों की बहुत मदद करती हो, परंतु तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, इसीलिए मैंने तुम्हारी जबान को चमत्कारी बना दिया। इसीलिए मीनू चिड़िया 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन तक तुम जो मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। क्या सच में परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में आप बहुत अच्छी परी हो। तुम 3 दिन में जो चाहो मांग सकती हो, परंतु हाँ, गलत इस्तेमाल मत करना अपनी चमत्कारी जबान का। नहीं नहीं, कभी नहीं सुनहरी परी, मैं कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। फिर वे सुनहरी परी वहाँ से चली जाती है, पर ये सारा मजरा कालू कौवा भी बैठा देख लेता है। है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, सुंदर सी परी ने तो मीनू चिड़िया की जबान को चमत्कारी बना दिया है। ये परी तो बहुत ही काम की लगती है। काश कि अगर मेरी जबान हमेशा हमेशा के लिए चमत्कारी हो जाए तो क्या ही बात है। वे लालची कौवा बाकी का सच जानने के लिए फौरन से मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मैंने सुन लिया और मैंने सब कुछ देख भी लिया। अब मुझे पता चला कि आखिर ये तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कैसे हो रही हैं। देखो, तुम्हारा तो भविष्य सवर गया, अब मेरा भी सवार दो। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितना गरीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मेरी जबान भी चमत्कारी हो जाए, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूँ। मेरी मदद करो मीनू चिड़िया, बस तुम उस परी को यहाँ पर बुला लो। मैं उससे कहूँगा कि वे परी मेरी जबान भी चमत्कारी कर दे। अच्छा ठीक है कालू कावे, मैं उस परी को दोबारा से बुला लेती हूँ। जादुई परी, आप यहाँ पर दोबारा से आ जाएं, हमें आपसे काम है। इतना कहते ही वे परी दोबारा से वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बोलो चिड़िया, तुम्हें मुझसे क्या काम है? परी जी, मुझे तो आपसे कुछ काम नहीं है, पर हाँ, इस कालू कावे को आपसे कुछ कहना है। मानो चिड़िया घर पर अकेला था, इसीलिए मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। हाँ भाई कवे, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुनहरी परी, जादुई परी, अच्छी परी, प्यारी परी, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब कौवा हूँ। मेरी मदद कीजिए, आपने जैसे मीनू चिड़िया की जबान चमत्कारी बना दी है ना, वैसे ही आप मेरी जबान को भी चमत्कारी बना दें, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूँ। आपको पता है परी जी कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, पर उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर मैंने अपने बेटे का जल्द से जल्द इलाज न करवाया तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। मेरी मदद कर देना परी जी, ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। कौवे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जबान को भी चमत्कारी बना देती हूँ, ताकि तुम अपने बेटे का इलाज करवा सको। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह वाह, ये परी तो बहुत ही बेवकूफ़ है। मैंने झूठ कहा और मेरी इतनी जल्दी बात मान गई।
बस जल्दी से मेरी जबान को चमत्कारी बना दे ये, फिर देखो मैं इस परी की सारी शक्तियाँ मांग लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए एक जादुई कौवा बन जाऊंगा। लुका लुका वे, तुम्हारी जबान अब चमत्कारी हो चुकी है, तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो मैं सबसे पहले ये मांगूंगा कि इस सुनहरी परी की सारी जादुई शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं और मैं एक जादुई कौवा बन जाऊं। कालू कवि की तो मांग पूरी ही नहीं होती और न ही इसके पास कोई जादुई शक्ति आती है। दुष्कवि, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बस मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम क्या मांगते हो। तुम मेरी शक्तियाँ लेकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी ना, अब देखो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दें। लालची कौवे, सजा तो अब मिलकर रहेगी। जादुई परी अपनी छड़ी से जादू करती है और डंडों से कालू कौवे की पिटाई करवाती है।